स्टूडेंट्स, ये हमारा फिजिक्स का अगला वीडियो लेक्चर है, यानी कि क्लास 11th का यूनिट नंबर 1 का लास्ट वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इससे पहले मैं आपको जो वीडियो लेक्चर दे चुका हूं उसमें हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था, दैट वाज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट 1, दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो हमारी यूनिट नंबर 1 है उसको हम बेजर दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक हमारा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं डायमेंशंस, और एक हमारा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं एरर्स। तो जो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है वो बेसिकली दो तरीके से पढ़ा जाता है, एक डायमेंशंस की टर्म में पढ़ा जाता है और एक एरर्स की टर्म में पढ़ा जाता है। डायमेंशंस हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक मैं आपको कराने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है एरर्स। तो देखिए, देखा जाए तो एरर एक इंग्लिश का टर्म है जिसका हिंदी वार्तालाप होता है गलती, यानी हम लोग एक तरह से गलती के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यार अगर गलती है तो उसका मतलब गलती होगी, तो फिर गलत चीज के बारे में क्यों पढ़ा जा रहा है। कई बार गलतियां बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन फिजिक्स में गलती हमें ये बताती है कि अगर हमने कोई गलती करी है तो इसका मतलब कि हम एग्जैक्ट वैल्यू से कितना दूर हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे कि एरर के टॉपिक में एग्जैक्टली हमें पढ़ना क्या है। देखिए, अगर मैंने कहा कि मेरे पास एक रॉड है और इस रॉड की लेंथ मैंने कहा मुझे नहीं पता, और क्लास में 5 बच्चों को मैंने ये रॉड पकड़ाई और 5 बच्चों को कहा कि ये रॉड आप लीजिए और नाप के मुझे बताइए। बच्चे कहते हैं सर रॉड नापना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। मतलब ऑब्वियसली बात है, डिफिकल्ट काम नहीं है, आप स्केल या इंची टेप का इस्तेमाल करके रॉड को आराम से नाप सकते हैं। आपने इंची टेप का इस्तेमाल किया, रॉड को नापा, पहले बच्चे ने अपना हाथ खड़ा किया और पहले बच्चे ने कहा कि मेरी लेंथ आई है 6 सेंटीमीटर। दूसरे बच्चे ने कहा नहीं सर ये गलत है, मेरा आंसर है 6.2 सेंटीमीटर। अब एक बच्चा कहता है 6 सेंटीमीटर, एक बच्चा कहता है 6.2 सेंटीमीटर, तो हमने तीसरे बच्चे से पूछा कि भाई आप क्या कह रहे हो। तीसरा बच्चा कहता है भाई मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आया है वो आया है 6.5 सेंटीमीटर। हमने चौथे बच्चे से पूछा कि भाई आपका क्या कहना है, तो चौथा बच्चा कहता है कि मेरा आंसर आया है L4 = 5.9 सेंटीमीटर। हमने इसकी तरफ देखा कि यार सब लोग 666 में लाइक कर रहे हैं, आप 5.9 में लाइक कर रहे हो, अचानक से इतना पीछे कैसे हो गए। वो कहता है नहीं ये सब लोग पागल हैं, मेरा तो आंसर 5.9 है जी। चलो आपका बात मान लेते हैं हम लोग। हमने फिफ्थ बच्चे की बात करी तो फिफ्थ बच्चे से पूछा, वो कहता है मेरा आंसर है 6.3 सेंटीमीटर। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि आपके सामने जो मैंने 5 वैल्यू रखी है ये वो 5 वैल्यू नहीं है जो मैंने आपको बताई है, ये वो 5 वैल्यू है जो इन बच्चों ने मुझे बताई है कि सर आपने हमसे कहा था कि इस रॉड की लेंथ नापी है, हमने आपको रॉड की लेंथ नाप के दे दी। तो आप मुझे बताइए कि रॉड की लेंथ नापने में क्या प्रॉब्लम थी। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है कि सारे बच्चों ने रॉड की लेंथ को अलग अलग नापा है। अब अगर आप मुझसे पूछते हैं सर आप बताओ रॉड की लेंथ क्या थी, मैं कहता हूं रॉड की लेंथ है 6.5, तो आप कहेंगे इसका मतलब ये बच्चा सही है। अगर मैं कहता हूं कि ये बच्चा सही है तो फिर ये सारे बच्चे क्या कहेंगे, ये सारे बच्चे कहेंगे हम गलत है। अब ये बच्चे कहेंगे कि सर गलत नहीं है, गलती हो गई हमसे थोड़ी सी। जैसे कि 6 सेंटीमीटर वाला बच्चा कहेगा तो क्या हुआ, मैं 6.5 से 0.5 तो पीछे हूं। 6.2 वाला कहेगा तो क्या हुआ, मैं 6.5 से 0.3 तो पीछे हूं। तो इनकी गलती देखा जाए तो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन फिजिक्स कहती है कि गलती तो है, एरर तो है। इसी एरर को हम 11th क्लास में डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। अब क्योंकि सर आपने ये कहा कि वायर की लेंथ है 6.5, तो ये मैंने कह दिया, इसका मतलब मुझे पता था कि ओरिजिनल वैल्यू क्या है। तो अगर मैं कहता हूं कि ये जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को हम कहते हैं मेजर्ड वैल्यूज। क्या कहते हैं, मेजर्ड वैल्यूज, यानी वो वैल्यूज जिनको नापा गया। और मैंने कह दिया कि जो ओरिजिनल वैल्यू है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 6.5 सेंटीमीटर है, जो हमें पहले से पता थी, जो हमें पता थी या जो सच है, जो रियल है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है, यानी क्या है ये एग्जैक्ट वैल्यू है। तो अगर 6.5 एग्जैक्ट वैल्यू है तो हर बच्चा अब अपनी मिस्टेक फाइंड कर सकता है। पहला बच्चा, हमने उससे पूछा आप अपनी मिस्टेक कैसे फाइंड करोगे, वो कहता है सर वेरी सिंपल, मिस्टेक इन L1 = exact value - measured value, exact value 6.5 minus measured value, answer comes out to be 0.5 centimeter। तो ये पहले बच्चे की लेंथ में जो मिस्टेक है, इस मिस्टेक को हम 11th क्लास में मिस्टेक नहीं कहते, इस मिस्टेक को 11th क्लास में हम एरर कहते हैं। क्या कहते हैं,
एरर, तो इसे कहा जाएगा एरर इन L1, तो एरर इन L1 कम्स आउट टू बी 0.5 सेंटीमीटर। तो ये जो एरर है, इस एरर के लिए हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं डेल्टा, और यहां पे लिखते हैं वो क्वांटिटी जिस चीज में एरर आया। तो अभी क्वांटिटी कौन सी चल रही है, लेंथ की, तो एरर किस में आ रहा है, लेंथ में, तो हम क्या लिखेंगे डेल्टा एल। तो डेल्टा एल का मतलब एल में गलती, टाइम होता तो डेल्टा टी यानी टाइम में गलती, वेलोसिटी होती तो डेल्टा वी यानी वेलोसिटी में गलती, एम होता तो डेल्टा एम यानी मास में गलती। तो किसी भी चीज की गलती निकालने के लिए हम उसके एक सिंबल को इस्तेमाल करते हैं, उसे डेल्टा कहते हैं। और गलती निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको ये पता होना चाहिए कि रियल वैल्यू क्या है, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपने क्या नापा। तो जो रियल वैल्यू है वो तो सच है, जो आपने नापा अगर वो उससे मैच कर गई तो उसका मतलब आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आपके द्वारा नापी हुई वैल्यू रियल वैल्यू से मैच नहीं कर रही है तो मतलब आपने क्या करी है, गलती करी है। तो गलती निकालिए, कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल, यूजिंग द फॉर्मूला दैट एरर इन एनी गिवन वैल्यू, एरर इन एनी गिवन वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू द एग्जैक्ट वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू दैट गिव्स यू द एरर। अब 11th क्लास के फिजिक्स के इस एरर्स के टॉपिक में इस एरर को, इस गलती को सिर्फ एरर नहीं कहते, इसे एक नया नाम दिया गया है, इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर जब हम निकालते हैं तो डेल्टा एल को यहां कहा जाता है एब्सोल्यूट एरर। क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट एरर। अब ये जो डेल्टा एल हमारा एब्सोल्यूट एरर है, इस एब्सोल्यूट एरर को निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, तो इस चीज को एक बार रीराइट कर दे, आप ज्यादा अच्छे से इस चीज को समझ पाएंगे। तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो बेसिकली सबसे पहली चीज बताने जा रहा हूं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है एरर्स का, और एरर के इस टॉपिक में हमने सबसे बेसिक चीज और सबसे पहली चीज जो सीखी है वो सीखी है आपका एब्सोल्यूट एरर। तो एरर का मतलब है गलती, एरर का मतलब है गलती, और एरर में सबसे पहली चीज मैंने आपको सिखाई है अभी जो मैंने बताया वो है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है गलती, एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है गलती इन एनी गिवन मेजरमेंट। तो अगर कोई मेजरमेंट है x, तो उसकी गलती होगी डेल्टा x, तो डेल्टा x का मतलब हुआ x की गलती, डेल्टा x का मतलब हुआ x की गलती, क्योंकि अगर मेजरमेंट x है तो x की गलती क्या होगी डेल्टा x। अब डेल्टा x कैसे निकालेंगे, डेल्टा x यानी x की गलती इज इक्वल टू x की ओरिजिनल वैल्यू, x की ओरिजिनल वैल्यू माइनस x की मेजर्ड वैल्यू यानी x की मेजर्ड वैल्यू। सो देयरफॉर वी गेट दैट डेल्टा x इज इक्वल टू x की ओरिजिनल वैल्यू माइनस x की मेजर्ड वैल्यू। लिखने का तरीका है, इसको हम ऐसे कभी नहीं लिखते, आपको क्वेश्चन में डाटा दिया जाएगा, तो अगर मैं इसे रीराइट करूं तो हम बहुत सिंपल शब्दों में कहेंगे कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जो हमें दिया है माइनस जो हमने पता लगाया। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आया, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली करना कैसे है। तो डेल्टा एक्स का मतलब है गलती, एक एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए मैंने कहा कि एक्स वन इज 2 सेंटीमीटर और एक्स टू इज 2.5 सेंटीमीटर एंड एक्स थ्री इज 2.3 सेंटीमीटर एंड एक्स फोर इज 2.2 सेंटीमीटर। ये चार वैल्यूज है, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि x की चार वैल्यू बच्चों ने नापी। अब बच्चों को मैंने बताया कि बच्चों इसकी रियल वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैंने कहा बच्चों रियल वैल्यू जो है वो 2.2 है। बच्चों ने कहा सर 2.2, हमें तो एक ही बच्चे की 2.2 आई है। तो एक बच्चा जिसकी 2.2 आई है वो तो खुश हो जाएगा कि भैया मेरी वैल्यू तो मैच कर गई। अरे भाई जिनकी 2.2 नहीं आई है वो लोग तो अपनी गलती ढूंढेंगे। तो देखिए कैसे ढूंढेंगे, तो देखो सबसे पहला बच्चा जब अपनी गलती ढूंढेगा तो मैं आपको बता दूं कि हम क्या कर रहे हैं, हमें गलती चाहिए, किसमें गलती चाहिए, x1 में। तो देखो सबसे पहला बच्चा कहता है डेल्टा x1 का मतलब गलती इन x1 इज इक्वल टू 2.2 दिया है, उस बच्चे का 2.0 सेंटीमीटर आया
तो इसकी गलती क्या हुई 0.2 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो 2.2 हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू 2.0 हमारी मेजर्ड वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू गिव्स यू द एरर। सिमिलरली अगर हम डेल्टा x2 निकालें तो डेल्टा x2 कम्स आउट टू बी 2.2 माइनस 2.5, इट कम्स आउट टू बी माइनस 0.3 सेंटीमीटर। डेल्टा x3 निकालें तो डेल्टा x3 कम्स आउट टू बी 2.2 माइनस 2.3 सेंटीमीटर, इट कम्स आउट टू बी 0.1 सेंटीमीटर। और अगर हम डेल्टा x4 निकालें, इट कम्स आउट टू बी 2.2 माइनस 2.2, इट कम्स आउट टू बी 0 सेंटीमीटर। पहले बच्चे की गलती आई 0.2 सेंटीमीटर, दूसरे बच्चे की गलती आई माइनस 0.3 सेंटीमीटर, तीसरे बच्चे की गलती आई माइनस 0.1 सेंटीमीटर, चौथे बच्चे की गलती आई 0 सेंटीमीटर। आप इस बात से कहना क्या चाहते हैं सर? मैं इस बात से आपको यह कहना चाहता हूं कि जब भी कभी ओरिजिनल वैल्यू हमें गिवन होती है और ओरिजिनल वैल्यू का इस्तेमाल करके हम गलती निकालते हैं, तो अपने दिमाग में यह बिठा लीजिए कि आने वाली गलती प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। सो वी मे गेट पॉजिटिव एरर एंड वी मे गेट नेगेटिव एरर। सो व्हाट एवर एरर दैट वी आर फाइंडिंग इज नॉट जस्ट कॉल्ड एज एरर, इट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर। तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज बैठ जानी चाहिए कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। तो एब्सोल्यूट एरर वो एरर होता है जो हम निकालते हैं तब जब हमें पता हो ओरिजिनल वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी और तब जब हमें पता हो कि हमने क्या नापा है। तो जो क्वेश्चन में ओरिजिनल वैल्यू हमें दी है उसका इस्तेमाल करके माइनस जो हमने नापा है, आपको जो भी गलती मिलेगी दैट विल बी कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड मेजरमेंट एंड सो ऑन, जिसको डिनोट करते हैं डेल्टा से। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर आप ये कह रहे हो कि गलती निकालने के लिए डाटा की ओरिजिनल वैल्यू दी होगी, अगर नहीं दी हुई तो क्या करेंगे? आपको जो नेक्स्ट चीज सिखाने जा रहा हूं वो यही सिखाने जा रहा हूं कि तब क्या करेंगे जब डाटा गिवन नहीं है। आइए जानते हैं कि क्या करेंगे तब जब हमें डाटा गिवन नहीं है। कुछ ऐसी है कि हमें क्वेश्चन के अंदर डाटा दिया जाएगा लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होगी। अब क्योंकि डाटा दिया है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, अभी तक जो आपको मैंने बताया उसमें एग्जैक्ट वैल्यू गिवन थी, तो क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू पता थी तो एरर निकालना आसान था। एग्जैक्ट वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस करो, गलती पता चल जाती है। लेकिन तब क्या करेंगे जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी हुई, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक लेंथ दे रखी है 2.2 सेंटीमीटर, मेरे पास एक लेंथ दे रखी है 2.3 सेंटीमीटर, मेरे पास एक लेंथ दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर और मेरे पास एक और लेंथ दे रखी है लेट अस से 2.3 सेंटीमीटर। चार बच्चों ने मुझे लेंथ नाप के बताई। अब क्योंकि चार बच्चों ने मुझे लेंथ नाप के दिखाई है, चारों बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर हमने ये नापा है, आप बताओ एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? मैं कहा भाई मुझे खुद नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। अब जब बच्चे ये सोचेंगे कि सर ने हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी गलती क्या है? तो अब आपको मैं वो सिचुएशन देने जा रहा हूं जिस सिचुएशन में क्वेश्चन में डाटा गिवन होगा, यानी डाटा गिवन है लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं गिवन होगी। तो दिमाग में बिठा लीजिए कि जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं गिवन होती, मैं जो बात बोल रहा हूं उस बात को ध्यान में रखिएगा, जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं गिवन होती यानी जब एग्जैक्ट वैल्यू गिवन नहीं है तब हम क्या करते हैं? तब हम गिवन डाटा का मीन फाइंड करते हैं। सर मीन फाइंड करते हैं, मीन फाइंड करते हैं एंड मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, एंड मीन वैल्यू को एग्जैक्ट वैल्यू माना जाता है। मीन वैल्यू को एग्जैक्ट वैल्यू माना जाता है। सर अगर आपकी इस बात पे फोकस किया जाए कि मीन वैल्यू को एग्जैक्ट वैल्यू माना जाता है, तो ध्यान से देखिए L1, L2, L3, L4 का अगर मैं L मीन निकालता हूं तो L मीन को हम या तो ऐसे लिखेंगे या फिर हम लिखेंगे L बार। तो L बार इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो L बार इज इक्वल टू 2.2 प्लस 2.3 प्लस हमारे पास आ गया 2.5 और हमारे पास आ गया प्लस 2.3 फॉर एग्जांपल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया 4। तो L का बार इज इक्वल टू, अब अगर मैं इसे प्लस करता हूं, देखिए मैंने क्या कहा, जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं गिवन होती तब हम गिवन डाटा का मीन फाइंड करते हैं। तो हम मीन फाइंड कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए मीन वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार जा रहा है L बार इज इक्वल टू 2.2 प्लस 2.3 प्लस 2.5 प्लस 2.8। तो हम प्लस कर लेंगे इसको 2.2 प्लस 2.3 प्लस 2.5 प्लस 2.3।
तीन दो पांच, दस तीन तेरह, दो दो चार, पांच छह सात आठ नौ, 9.3। तो 9.3 डिवाइड बाय 4, 4 को हमने क्या करा, 4 टू जा 8, 13 आ गया, 4 थ्री जा 12, 110 आ गया, और 4 टू जा 8, तो L बार कम्स आउट टू बी 2.32। अब आप देखिए, मैंने L बार यानी L की मीन वैल्यू को दो डेसिमल प्लेस तक सॉल्व किया है। क्वेश्चन में डाटा सिंगल डेसिमल प्लेस तक है, तो सर आपका डाटा दो डेसिमल प्लेस तक क्यों गया? हमेशा याद रखना कि अगर क्वेश्चन का डाटा सिंगल डेसिमल प्लेस में है तो आपकी मीन वैल्यू भी सिंगल डेसिमल प्लेस में आनी चाहिए। अगर क्वेश्चन का डाटा टू डेसिमल प्लेस तक है तो आपकी वैल्यू भी टू डेसिमल प्लेस तक आनी चाहिए। तो हमने तो टू डेसिमल प्लेस तक निकाली है, कोई बात नहीं, राउंडिंग करेंगे। राउंडिंग का कानून क्या कहता है? अगर हटाए जाने वाली डिजिट या राउंड किए जाने वाली डिजिट 5 से कम हो तो उसे हटा देना चाहिए बिना कोई चेंजेस करे। तो यहां पे हटाए जाने वाली डिजिट कौन है? 2, यानी वो 5 से कम है, तो 2 को हटा देंगे सिंपल बिना कुछ और किए। तो 2 को हटा दिया और हमें जो वैल्यू मिल गई वो मिल गई L बार। दिस इज द मीन वैल्यू, दिस इज द मीन वैल्यू, और मीन वैल्यू को हम एग्जैक्ट वैल्यू मान लेंगे। अगर मीन वैल्यू को हम एग्जैक्ट वैल्यू मान लेंगे तो ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास मीन वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास 2.3 आ चुका है। डाटा हमारे पास क्या था? एक डाटा था हमारे पास 2.2, एक डाटा था हमारे पास 2.3, एक डाटा था हमारे पास 2.5, और दूसरा डाटा था हमारे पास 2.3। देखिए, चार वैल्यू थी, 2.2, 2.2, 2.3, 2.3, 2.5, 2.5, 2.3, 2.3। ये हमारे पास वो वैल्यूज हैं जो मेजर्ड वैल्यूज हैं। ये कौन सी वैल्यूज हैं? मेजर्ड वैल्यूज हैं। और जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या आई हमारे पास? 2.3। तो मैं गलती निकालूंगा, गलती इन L1 इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, 2.3 माइनस 2.2, तो गलती इन L1 कम्स आउट टू बी 0.1 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल ये लेंथ है, ठीक है जी। गलती इन L2 इज इक्वल टू 2.3 माइनस 2.3, तो 2.3 माइनस 2.3 करेंगे क्या आ गया? 0 सेंटीमीटर। गलती इन L3 मैंने करा 2.3 माइनस 2.5, तो इस कम्स आउट टू बी 0.2, क्योंकि 0.5 है, 0.3 है, 0.5 में से 0.3 गए, तो माइनस 0.2 गलती इन L3। गलती इन L4 की बात करें, तुम्हारे पास आ गया 2.3 माइनस 2.3, तुम्हारे पास आंसर आ गया 0। तो आप ध्यान से देखिए, हमारे पास टोटल कितनी गलती आ चुकी है? टोटल हमारे पास 4 गलती आ चुकी है। सबसे पहली गलती हमारी क्या है? डेल्टा L1, डेल्टा L1 हमारी पहली गलती, डेल्टा L2 हमारी दूसरी गलती, डेल्टा L3 तीसरी गलती, और डेल्टा L4 हमारी चौथी गलती। तो हमने यहाँ पे जो गलती निकाली है वो हमारा एरर है, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इस एरर को अब हम सिर्फ एरर नहीं कहेंगे, इस एरर को अब हम एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट एरर। तो हमने यहाँ पे क्या निकालना सीख लिया? एब्सोल्यूट एरर निकालना सीख लिया। तो मैंने अब तक आपको यह सिखा दिया कि एरर निकालने के लिए डाटा गिवन होगा, डाटा के अलावा एग्जैक्ट वैल्यू अगर गिवन हुई तो एरर फाइंड करो, अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं गिवन तो मीन वैल्यू को फाइंड करके मीन वैल्यू को एग्जैक्ट मान के एब्सोल्यूट एरर फाइंड करो। डेल्टा X1, डेल्टा X2, डेल्टा X3, डेल्टा X4, डेल्टा X5, डेल्टा L1, डेल्टा L2 एंड सो ऑन, हमारे पास एरर आ गए। दीज आर कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर। Now the question arises कि सर ये absolute error find करने के बाद हम लोग next चीज क्या करते हैं? तो आइए आपको बताते हैं कि absolute error find करने के बाद हम next चीज क्या कर सकते हैं और next चीज हमारे लिए क्या useful होगी। इस question के अंदर हमने क्या करा? Exact value जो हमारे पास आई वो आई 2.3। क्या आई हमारे पास? 2.3। तो 2.3 हमारे पास थी, और जो हमारे पास डाटा था उसमें L1 हमारे पास 2.2 था, जो L2 हमारे पास था वो 2.3 था, जो L3 हमारे पास था वो 2.5 था, और जो हमारे पास L4 था वो हमारे पास 2.2 था, 2.3 था हमारे पास। तो ये 2.2, 2.3, 2.5 और 2.3 हमारे पास चार वैल्यूज थी। हमने L1 के बाद डेल्टा L1 निकाला, डेल्टा L2 निकाला, डेल्टा L3 निकाला, डेल्टा L4 निकाला, डेल्टा L5 निकाला। L1 डेल्टा आया, L3 आया, L4 आया, L5 आया। तो डेल्टा L1 जो हमारा आया वो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू माइनस करके आया तो 0.1 आया। डेल्टा L2 हमारा 0 आया। उसके बाद हमारा डेल्टा L3 जो हमने निकाला वो 2.3 माइनस 2.5 करा, हमारे पास माइनस 0.2 आया। डेल्टा L4 की बात करी हमने तो डेल्टा L4 हमारे पास 0 आ गया।
ये आ जाने के बाद हम निकालते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या कहते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है बेटा? मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब है कि जो एब्सोल्यूट एरर हमने फाइंड किया है उसका मीन। तो एब्सोल्यूट एरर्स का मीन, एब्सोल्यूट एरर्स का मीन। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को हम कहते हैं डेल्टा एक्स मीन इज इक्वल टू पहले वाली गलती, दूसरे वाली गलती, तीसरे वाली गलती, डॉट 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 जहां तक भी जा रही है डिवाइडेड बाय एन। शर्त यह है कि जो आप गलतियों की वैल्यू पुट करोगे तो कुछ गलतियां प्लस में होती हैं, कुछ गलतियां माइनस में होती हैं, लेकिन डेल्टा एक्स मीन निकालते समय हमेशा गलती को प्लस में लेते हैं। यानी अगर माइनस में भी है तो उसे इग्नोर कर देंगे। तो उसका मॉड लेंगे, इसका मॉड लेंगे, इसका मॉड लेंगे और इसका मॉड लेंगे। तो डेल्टा एक्स वन पहली गलती 0.1, डेल्टा एक्स टू दूसरी गलती 0, डेल्टा एक्स थ्री तीसरी गलती हमारे पास आ गया 0.2, मैंने इसका मॉड ले लिया और प्लस हमारे पास क्या आ गया 0 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी गलती है 4। तो अगर मैं इसको प्लस करता हूं तो मेरे पास आता है 0.3 डिवाइडेड बाय 4। अगर 0.3 डिवाइडेड बाय 4 आया तो जब मैं इसको सॉल्व करने लगूंगा तो हमारे पास सॉल्व करते समय क्या आ जाएगा आपके सबसे पहले, क्योंकि ये 3 है तो 3 तो जाएगा नहीं, तो 0.07 आएगा हमारे पास 0.07। तो अगर मैं और आगे जाता हूं तो 0.075, तो 0.075 comes out to be the delta x mean। तो delta x mean comes out to be 0.075। तो 0.075 को अगर राउंडिंग करेंगे तो यहां पे 0.075 में यहां पे जो हमारे पास डिजिट टू बी ड्रॉप्ड है वो डिजिट टू बी ड्रॉप क्या है 5। क्वेश्चन कहता है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अगर हटाए जाने वाले डिजिट 5 है सच दैट कि उसके पहले वाली जो डिजिट है उसके पहले वाले डिजिट अगर ऑड है तो उसमें प्लस 1 कर दो, अगर उसके पहले वाले डिजिट इवन है तो कुछ मत करो, उसके पहले वाले डिजिट क्या है ऑड। तो 0.08 इज द डेल्टा एक्स मीन। तो हमारा फाइनल आंसर अगर हम लिखेंगे तो हमारा फाइनल आंसर होगा मीन वैल्यू जो आई, मीन वैल्यू जो आई प्लस माइनस मीन गलती प्लस माइनस मीन एरर जो आया। तो मीन वैल्यू हमारी क्या आई थी? मीन वैल्यू आई थी हमारी 2.3। तो हम लिखेंगे 2.3 हमारी मीन वैल्यू थी। तो हमारा फाइनल आंसर जो लिखा जाएगा, फाइनल आंसर हम कहेंगे कि भैया हमारी मीन वैल्यू आई 2.3 प्लस माइनस हमारी जो मीन गलती आई हमारी 0.08 सेंटीमीटर। तो ये जो मैंने आपको बताया दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ फाइंडिंग द एब्सोल्यूट एरर एंड एब्सोल्यूट एरर की गलती। तो आंसर को एक्सप्रेस करने का ये एक तरीका है, एब्सोल्यूट एरर और उसकी गलती। अब हम जानेंगे कि व्हाट एल्स कैन बी डन, आइए जानते हैं कि नेक्स्ट चीज क्या की जा सकती है। जो अब हम सीखने जा रहे हैं वो बेसिकली हमारा अगला तरीका होगा कि हम एरर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिए अब तक हमने सीक्वेंस क्या फॉलो किया, तो हमने जो सीक्वेंस फॉलो किया है सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन आएगा उसको कैसे सॉल्व किया है। क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? डाटा गिवन होगा, डाटा से हम क्या फाइंड करेंगे? मीन फाइंड करेंगे। और मीन का बात क्या करेंगे? मीन को एग्जैक्ट वैल्यू मानकर, मीन को एग्जैक्ट वैल्यू मानेंगे, उसे एग्जैक्ट वैल्यू मानकर एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे। यानी क्वेश्चन को करने का तरीका बता रहा हूं, एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे। एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के बाद हम अगली चीज क्या करेंगे? एब्सोल्यूट एरर जब हमारा फाइंड हो जाएगा तो एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के बाद नेक्स्ट चीज हम क्या करेंगे? एब्सोल्यूट एरर्स का मीन फाइंड करेंगे। मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूं कि किस सीक्वेंस में स्टेप करेंगे। तो क्वेश्चन में x1 x2 डॉट 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 xn गिवन होगा, उससे मीन फाइंड करेंगे। तो x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डॉट 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 xn अपॉन n। मीन वैल्यू को एग्जैक्ट मानकर डेल्टा x इज इक्वल टू x माइनस x1 डेल्टा x2 डेल्टा x1
x minus x2, delta xn is equal to x minus xn and so on. और absolute error क्या करेगा? Delta x mean is equal to पहले वाली गलती, दूसरे वाली गलती, dot 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 आखरी वाली गलती, सबका absolute values का हम mod लेंगे, divide by n करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? Delta x mean. And then जाके हम अपने final answer को express करेंगे, यानी हमारा final answer आएगा x mean plus minus delta x mean. इससे पहले जो मैंने आपको भी question कराया, उसमें final answer आया था 2.3 plus minus 0.08 centimeter is the final answer. ये सबसे basic तरीका है error के अंदर कि mean find करो, mean के बाद error find करो, error के बाद error की गलती find करो और final answer को express करो. अब जानते हैं कि next चीज हम क्या कर सकते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं. देखिए, जब हम absolute error find कर लेते हैं तो absolute error के बाद हम दो चीजें और निकाल सकते हैं. एक होता है जिसे हम कहते हैं relative error. तो relative error is nothing but it is equal to mean absolute error. यानी जो mean absolute error हमने निकाला divided by जो हमारी mean value है. तो mean absolute error हमारा कितना आया था? 0.0408 और हमारी mean value कितनी आई थी? 2.3. इसको solve करेंगे तो हमारे पास कोई value आएगी. That will be called as relative error. That will be called as relative error. तो हमारे पास आ गया relative error comes out to be mean absolute error and mean value. तो इसको जरा solve कर लेते हैं. हमारे पास ये हमारे पास है 0.08 divided by 2.3. तो ये हमारे पास हो जाएगा आपका 8/100 multiplied by 10/23. cancel. तो हमारे पास आ गया 8 divided by 230. तो हमने 8 को क्या करा? 23 से divide किया. तो हमारे पास जब 8 को 23 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लगा दिया. छोटे से पहले डेसिमल लगाएंगे, यहां 80 आ जाएगा और 23 को हमें 3 से करेंगे. 3 9 6, क्योंकि 4 पे जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा. तो 23 हमारे पास आ गया 6. तो हमारे पास आ गया 23 10 23.6 0.06. तो 0.06 हमारा क्या है? रिलेटिव एरर. 0.06 क्या हमारा? रिलेटिव एरर. तो जब इसको सॉल्व किया तो 0.06 आया. दिस इज द रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर आने के बाद हम एक और चीज कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं परसेंटेज एरर. तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं? वेरी सिंपल. परसेंटेज एरर निकालना बड़ा आसान है. रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.06 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 6/100 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल बदले में 6% पा लो. तो 6% क्या है हमारी? परसेंटेज गलती. क्या है हमारी? परसेंटेज गलती. तो आप देखिए, मैंने आपको सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर निकालना सिखाया, फिर आपको मैंने मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना सिखाया, फिर आपको मैंने रिलेटिव एरर निकालना सिखाया, फिर आपको मैंने परसेंटेज एरर निकालना सिखाया. तो अब जब ये सारी चीजें हम सीख चुके हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें सीखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि आज के बाद जब भी एरर का सिंपलेस्ट क्वेश्चन आएगा, एरर का बेसिक क्वेश्चन, मैं बेसिक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो एरर का बेसिक क्वेश्चन जब भी आए तो एरर के बेसिक क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करें? डाटा को यूज करें. डाटा को यूज करें. कहां यूज करें? डाटा को यूज करके मीन फाइंड करें. डाटा को यूज करके मीन फाइंड करें. मीन फाइंड करने के बाद अगला स्टेप क्या है? मीन की हेल्प से एब्सोल्यूट एरर निकालें. मीन की हेल्प से क्या निकालें? एब्सोल्यूट एरर निकालें. तो मीन की हेल्प से जब हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो एब्सोल्यूट एरर के बाद हम क्या करेंगे? एब्सोल्यूट एरर्स का, मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, एब्सोल्यूट एरर्स का मीन निकालें. तो पहले हमने क्या करा? एब्सोल्यूट एरर निकाला. एब्सोल्यूट एरर्स का मीन निकालें. एब्सोल्यूट एरर्स का मीन निकालने के बाद हम नेक्स्ट चीज क्या करेंगे? आप निकाल लीजिए रिलेटिव एरर. क्या निकाल लीजिए? रिलेटिव एरर. और रिलेटिव एरर निकालने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं? परसेंटेज एरर. और हमारा जो आंसर है, जो हमारा आंसर है, उसको हम थ्री वे से एक्सप्रेस कर सकते हैं. यानी हमारा जो आंसर होता है उसको हम थ्री वे से एक्सप्रेस कर सकते हैं. सर कैसे? पहला तरीका मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन आपका एरर, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए. दूसरा तरीका मीन वैल्यू
प्लस माइनस रिलेटिव एरर, ये हमारा दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका मीन वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज एरर। तो हमारे तीन तरीके में मिल गए हैं। आइए क्वेश्चन था हमारा 2.3 प्लस माइनस 0.08, ये भी आंसर होता है। 2.3 प्लस माइनस 0.06 ये भी आंसर होता है। एंड 2.3 प्लस माइनस 6% ये भी आंसर होता है। तो यही हमारा हुआ था। मीन वैल्यू कितनी आई थी 2.3, मीन एरर कितना आया था 0.08। तो ये एक तरीके से आंसर को एक्सप्रेस कर दिया। मीन वैल्यू कितनी आई थी 2.3, रिलेटिव एरर कितना आया था 0.06, आंसर को एक्सप्रेस कर दिया। मीन वैल्यू कितनी आई थी 2.3, एरर कितना आया था 6%, आंसर को एक्सप्रेस कर दिया। तो हमने बेसिक तरीका सीख लिया कि कभी भी हमारा एरर का जो बेसिक क्वेश्चन आएगा उसको हमें कैसे सॉल्व करना है और कैसे हमें बेसिक बेसिक चीजें फाइंड करनी है। तो आप पहले डाटा का इस्तेमाल कीजिए, डाटा का इस्तेमाल करके आप मीन वैल्यू निकालिए, मीन वैल्यू निकाल के आप एरर निकालिए, एरर का इस्तेमाल करके एरर का मीन निकालिए, मीन एरर निकालने के बाद मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड करके आप रिलेटिव एरर निकालिए, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करके आप परसेंटेज एरर निकालिए। दिस इज द मोस्ट बेसिक वे टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ एरर। मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा चुका हूं। जो नेक्स्ट चीज के प्रति हम प्रोसीड करेंगे वो हम जानेंगे अपने अगले वीडियो लेक्चर में, और उसमें हम देखेंगे कि एरर्स को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको बताया वो एरर का सबसे सिंपलेस्ट मेथड है इस्तेमाल करने का, सबसे सिंपलेस्ट तरीका है इसे यूज करने का। नेक्स्ट चीज हम करेंगे द एप्लीकेशन ऑफ एरर इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजन। सो इट्स माई एडवाइस कि इससे पहले कि हम उस टॉपिक की तरफ बढ़े, आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें डाटा गिवन है उसे उठाइए और सॉल्व करना शुरू कीजिए। टेक्निक आपकी ये रहेगी, कई बार क्वेश्चन कहता है कि आंसर को ऐसे एक्सप्रेस करो, और कई बार क्वेश्चन कहता है कि आप किसी स्पेसिफिक तरीके से आंसर को एक्सप्रेस ना करो। तो जब क्वेश्चन में तरीका मेंशन ना हो यू कैन यूज एनी मेथड टू एक्सप्रेस योर फाइनल आंसर। सो कीप वॉचिंग एंड एट द सेम टाइम आपको जो बातें बताई जा रही है उन बातों का नोट डाउन करके प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी डाउट है तो आप हमेशा अपना फीडबैक, अपना कमेंट, अपने मैसेजेस को छोड़ सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग द वीडियो, शेयर इट विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स, एंड यस मोस्ट इंपॉर्टेंट डोंट स्टॉप वर्किंग हार्ड। थैंक यू चतुर्वेदी।